प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषाचार्य पंडित नरेंद्रनाथ पांडे मध्य प्रदेश ग्वालियर से बोल रहा हूँ। जिस शनि प्यार के साथ आप लोग मेरे प्रोग्राम को देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, फरमाइश कर रहे हैं, इसके लिए आप लोग को धन्यवाद। दोस्तों, मेरा भी पूरा प्रयास है कि आपको अधिक से अधिक कुंडली देखने का ज्ञान प्राप्त कराऊँ। आप लोग इसी समय प्यार से मेरे प्रोग्राम को देखते रहिए, खुद कुंडली देखने के ज्ञाता हो जाएंगे। आज एक बहुत अच्छा प्रोग्राम प्रस्तुत कर रहा हूँ। शनि राहु मंगल ग्रह की युक्ति कुंडली के प्रत्येक भाव में कैसा खेलता खेल कैसा प्रभाव देता है, ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है दोस्तों, इसको सुनिए। जिसके कुंडली में लग्न में शनि राहु मंगल ग्रह की युक्ति है, ऐसे लोग मानसिक रूप से परेशान रहते हैं, आर्थिक रूप से परेशान रहते हैं, ऐसे लोग जीवन में कभी सफल नहीं हो पाते। जिसके कुंडली में लग्न से दूसरे भाव में शनि राहु मंगल की युक्ति है, ऐसे लोग अच्छी उन्नति करते हैं, अच्छा धन कमाते हैं, परंतु जिद्दी क्रोधी होते हैं। जिसके कुंडली में तीसरे भाव में शनि राहु मंगल ग्रह की युक्ति हो, ये रंग से राजा बनते हैं, अच्छा प्रभावशाली व्यक्ति बनते हैं, इनको माता पिता से भी अच्छा धन दौलत मिलता है। जिसकी कुंडली में चौथे भाव में शनि राहु मंगल की युक्ति हो, ऐसे लोग जिद्दी होते हैं, क्रोधी होते हैं, नशेबाज होते हैं, चैत्रहीन। जिसके कुंडली में पंचम भाव में शनि राहु मंगल ग्रह की युक्ति है, इनकी कैरियर इनका नहीं बन पाता, शिक्षा अधूरी रह जाती है और जीवन में अधिकांश समय इनका बेरोजगारी में व्यतीत होता है। इसके कुंडली में छठवें भाव में शनि राहु मंगल की युक्ति हो, ऐसे लोग शत्रुओं से परेशान रहते हैं, ऐसे लोग विवादों में रहते हैं, बिना वजह शंकित रहते हैं, किसी विश्वास नहीं करते। जिसके कुंडली में सातवें भाव में शनि राहु मंगल की युक्ति हो, ऐसे लोग का दाम्पत्य जीवन ठीक नहीं होता है, ऐसे लोग बहुधंधी होते हैं, अधिक परेशान रहते हैं और कभी भी ये दिमाग को बदलते रहते हैं। जिसके कुंडली में आठवें भाव में शनि राहु मंगल की युक्ति हो, ऐसे लोग स्वास्थ्य से परेशान रहते हैं, ऐसे लोग हमेशा कर्जदार रहते हैं, जीवन में कर्जे के कारण इनकी सामाजिक इज्जत प्रतिष्ठा बर्बाद होती है। जिसके कुंडली में नौवें भाव में शनि राहु मंगल की युक्ति हो, ऐसे लोग नौकरी में सस्पेंड हो जाते हैं, पदोन्नति नहीं होती है, आर्थिक मानसिक परेशानियों में रहते हैं। जिसके कुंडली में दसवें भाव में शनि राहु मंगल की युक्ति हो, ऐसे लोग प्रशासनिक अधिकारी बनते हैं, अच्छी उन्नति करते हैं, उद्योगपति बनते हैं, व्यापारी बनते हैं, इनका जीवन सफल रहता है। जिसके कुंडली में ग्यारहवें भाव में शनि राहु मंगल की युक्ति हो, ऐसे लोग लोहा कोयला मशीन चक ऑटो मोबाइल संबंधी व्यापार में करोड़ों रुपया कमाते हैं, स्वयं का निर्माण करते हैं। जिसके कुंडली में बारहवें भाव में शनि राहु मंगल की युक्ति हो, ऐसे लोग विवादों से बचते हैं, चैत्रवान होते हैं, दयालु होते हैं, धार्मिक होते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं और सोचे हुए अधिकांश कार्य को पूरा कर लेते हैं। ये छोटा सा प्रोग्राम आपके सामने मैंने प्रस्तुत किया, इसको सुनिए। इससे संबंधित कोई प्रश्न हो तो मुझसे संपर्क करिएगा। मेरे प्रत्येक वीडियो में मेरा फ़ोन नंबर दिया हुआ है, जिसका क्रम ने भी दिया हुआ, फिर भी मैं बोल देता हूँ, मेरा फ़ोन नंबर 9425308111 है। इतना करते हुए प्रोग्राम को समाप्त कर रहा हूँ। नमस्कार।